हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो मैं अमित गिरी, आपका जेईई मेंटर मैथमेटिक्स फैकल्टी, और हम स्टार्ट करेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। तो कुछ शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। टेंजेंट नॉर्मल सिखा दिया था मैंने, टेंजेंट और नॉर्मल सिखा दिया था ना मैंने, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड कुछ आए हुए क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं। तो राइट डाउन क्वेश्चन इज कि द नॉर्मल टू द कर्व। ये क्वेश्चन देखो एक ही जैसे पूछे गए हैं, फटाफट कॉपी करो। x माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट y-axis passes through point यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और ऑप्शन है ए -1/2 -1/2, बी इज 1/2 1/2, एंड द सी इज 1/2 -1/3, एंड द डी इज 1/2 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन आया मेंस 2017 में, 2017, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, क्या क्या चीज़ें हैं गिवन और क्या क्या चीज़ों पर आपके नज़रें बनानी है। द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व का कर्व दिया है y इंटू x-2 x-3 इक्वल टू x प्लस सिक्स। ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को कर्व ज़्यादा टफ दिया है, ठीक है, जो ऐसा भी देखते हैं। वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, हाँ भाई, किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट, नॉर्मल चाहिए आपको एट द पॉइंट जहाँ पर कर्व किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, एक्स को जीरो रखना। y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा मतलब वहाँ पर क्या होगा, x जीरो होगा। तो अगर मैं पॉइंट पहले ढूंढूँ, मेरे दो ही काम रहेंगे, पॉइंट ढूंढना और स्लोप ढूंढना। तो पॉइंट के लिए मैं क्या करूँ, कर्व में रख दूँ x इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो x इक्वल टू जीरो रखते ही कितना होएगा, y इंटू -2 -3 इज इक्वल टू सिक्स। तो y इज इक्वल टू 3 2 6 वन आया क्या, तो y इज इक्वल टू वन। सो पॉइंट इज, पॉइंट क्या है, 0, 1 क्या, x तो जीरो है ही, ठीक है ना, इस पर चाहिए। अब रही बात दूसरी स्लोप की, कि मुझे स्लोप की नीड है, तो स्लोप के लिए मैं कर्व को अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये हो गया x प्लस सिक्स अपॉन x-2 x-3, है ना भाई। तुरंत सबको डी वाई बाई डी एक्स चमकेगा, बोलो ना, डी वाई डी एक्स डिवीजन रूल। तो x-2 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर, हाँ भाई, ये लोग चुपचाप, है ना। बेसिकली ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर -5x+6, है ना, एक्स स्क्वायर -5x+6। तो ये एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले का तो 1 हो गया माइनस, अभी ऊपर वाला x प्लस सिक्स चुपचाप रहेगा, और इनका हो गया तो 2x-5। अरे भाई, इन दोनों का जब करोगे बेसिकली ये है, तो उसका डेरिवेटिव ये हो गया, ठीक है। अभी किस पॉइंट पर चाहिए, पॉइंट है आपका डी वाई बाई डी एक्स एट 0, 1। तो 0, 1 पर रखना है, मतलब x की जगह क्या रखना है, 0, और y की जगह 1 रखना है। तो x की जगह 0 रखते ही कितना आएगा, -2 × -3 - -6 × -5। नीचे देखो, माइनस एक्स को 0, तो -2 का स्क्वायर 4 × -3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स सॉल्व करके आया आपका, क्या आया डी वाई डी एक्स, है ना, 0, 1 पर, यानी कि स्लोप एम टी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, -6 और -6 6 × 5 = 30 डिवाइड बाय नचोक 36, ये भी तो 1 आया, स्लोप भी 1 आया। इट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1, ठीक है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल फिर क्या हो जाएगा, -1 हो गया। तो कह रहे हैं द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व की नॉर्मल ओ भी पॉइंट, इस पर तो पॉइंट भी निकाल लिया, स्लोप भी निकाले, पासेस थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रही है। तो अब तीसरी चीज़ रहेगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का लिखना,
हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाएंगे, फिर सेटिस्फाई करके पॉइंट देख लेंगे कौन सा पॉइंट पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन, पॉइंट क्या है, वन, 0.1 पॉइंट है ना, तो वाई माइनस वाई वन, स्लोप क्या है, माइनस वन इंटू एक्स माइनस जीरो। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना भाई। तो ये आ गया वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वन। तो ऐसी कोई पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करे, तो नाउ ऑप्शन चेक, चेक ऑप्शन, ऑप्शन चेक करेंगे हम कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला ऑप्शन माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू कर रखेंगे तो माइनस वन आएगा, माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन, तो पहला ऑप्शन गलत है। वन बाई टू चलेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है क्या, सो ऑप्शन बी करेक्ट। करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस जैसे क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार नहीं, और भी बार आए। मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, खटाखट चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समझ में आई चीज़ ये, आपको अपना तरीका याद रखना है। तो कुछ भी नहीं, स्लोप निकालना, पॉइंट निकालना, इक्वेशन निकालना, तीन ही बातें। और ये पहले दिन ही बताया था मैंने, है ना, जिस दिन मैंने टेंजेंट नॉर्मल की बातें बोली उसी दिन। तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर एफ एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, एक्स लाइज जीरो टू पाई बाय टू। हाँ भाई, एक्स लाइज जीरो टू पाई बाय टू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए नॉर्मल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स ऑल्सो पासिस थ्रो। ये भी वही पूछ रहे हैं कि किस पॉइंट से पास करेगी, दो साल लगातार एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन, पासिस थ्रू पॉइंट, और पॉइंट ऑप्शन में दे दिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए 0 0, बी 0.2π/3, एंड द सी इज 5/6, 0, एंड द डी इज 5/4, 0, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 मेंस। फिर से वही काम कर लोगे आप, बस एक काम इसमें एक्स्ट्रा आ गया कि फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, और आप वाकिफ हो इस फंक्शन से। मैंने आपको दिखाया है कि 1 + sin x / 1 - sin x जैसी फोटो हो तो क्या करते हैं भाई, ये किसका होल स्क्वायर है। 1 + sin x का मतलब होता था, भूल जाते हो तुम लोग, 1 + sin x का मतलब है cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। जिनको नहीं पता वो देख लें इधर, ये चीज़ें मैंने कहा है शॉर्ट में याद ही रखो, जेई वाले अक्सर पूछते रहते हैं। 1 + sin x होता है cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। जिसको डाउट है वो होल स्क्वायर ओपन करे और पाएगा, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। 1 - sin x cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर होता है ना, ओपन करो ना। cos² x/2 + sin² x/2 1 हो गया, प्लस 2 times sin x/2 cos x/2 क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, तो 1 + sin x आ गया। तो खटाखट पहली चीज़ ये है कि आप कम से कम पहले तो फंक्शन सिंप्लीफाई कर लो मेरे लिए, वो मुझे दिख रहा है। तो खटाखट कितने लोग अग्री कर रहे हैं कि ये cos x/2 + sin x/2 डायरेक्ट सर लिखने वाले हैं, होल स्क्वायर नीचे cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। देखते देखते रूट ख़त्म हो गया, मैंने चीज़ें डायरेक्ट बढ़ाई हैं, तो ये हो जाता है cos x/2 + sin x/2 अपॉन cos x/2 - sin x/2। थोड़ी देर बाद cos x/2 का डिवाइड भी लगाऊंगा मैं। cos x/2 का डिवाइड क्यों सर, देखो ना कुछ बनेगा, ये हो जाएगा 1 + cos x/2 का डिवाइड लगाया तो sin/cos 10 बन जाएगा क्या, tan x/2, और नीचे आएगा 1 - tan x/2। फिर थोड़ी देर बाद देखते देखते इस चीज़ को लिखा जा सकता है क्या, दिमाग लगाओ, tan π/4 + x/2, बोलो लिख सकता कि नहीं। अरे tan π/4 1 होता है, प्लस एक्स tan x/2, tan A + B का फॉर्मूला याद करा, है ना, ओपन करके देखना आता है आपका फॉर्मूला। तो fx = tan inverse, तो फाइनली tan inverse tan उड़ा देगा एक दूसरे को, और शायद मैंने कई बार किया भी होगा ये, तो tan ख़त्म हो गया, ये बच गया π/4 + x/2, है ना भाई। अब आ जाओ आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे पूछ रहे हैं कि y = fx पर नॉर्मल, यहाँ पर भी नॉर्मल की ही बात की गई, तो नॉर्मल की चर्चा करेंगे, है ना, एट x = π/6 पॉइंट पर पूछ रहे हैं लेकिन, है ना,
ओके तो इसका मतलब y फिर क्या निकला, फंक्शन ही तो y होता है, y इज इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो पहला आपका काम रहेगा पॉइंट निकालना कि नॉर्मल टू y इक्वल टू fx एट, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं लेकिन ये तो x है, हमें y भी चाहिए। तो पॉइंट पर हम दिमाग लगाएं तो मेरे पास x तो पाई बाई सिक्स है लेकिन y कितना है, तो y के लिए इसमें रख दो, x को पाई बाई सिक्स रखेंगे तो कितना आएगा देख लेना, जो भी है पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स रखेंगे तो पाई बाई ट्वेल्व हो गया, तो जो भी है थ्री थ्री मल्टीप्लाई करेंगे इधर थ्री 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 पाई फोर पाई फोर पाई बाई ट्वेल्व दैट इज पाई बाई थ्री, यही ना, यानी कि पॉइंट क्या आ गया पाई बाई सिक्स कॉमा पाई बाई थ्री, सही है क्या? ठीक है चेक कर लेंगे, ऑप्शन देखेंगे। नाउ सेकेंड इज कि अब स्लोप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करी जाए तो डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई डी एक्स करना भी आसान है, देखो ना कितना रहा है वन बाई टू, डिवाइडेड एक्स कॉन्स्टेंट है, इसका इसका मतलब क्या है डिवाइडेड एक्स कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर यही रहेगा। तो डायरेक्ट तीसरे कॉम में मैं करूँगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तुरंत बात करेंगे। तो अच्छा उससे पहले स्लोप तो नॉर्मल का बता दो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलोगे क्या होगा माइनस वन अपॉन डिवाइडेड एक्स, तो माइनस टू आएगा ये, है ना, पलट देंगे माइनस साइन के साथ, तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन इज पाई बाई थ्री है ना, इज इक्वल टू माइनस टू स्लोप और x माइनस एक्स वन, एक्स वन इज पाई बाई सिक्स। ठीक है थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है, y माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा पाई बाई थ्री, टू और सिक्स कटेगा पाई बाई थ्री, प्लस का पाई बाई थ्री। हाँ भाई थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या आ रहा है ये मिटा दूँ ऊपर एक सेकेंड, एक सेकंड थोड़ा सा ना, ठीक है तो कितना आ गया इक्वेशन, क्या आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y प्लस टू एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो नाउ ऑप्शन चेक, चेक कर लोगे, नाउ ऑप्शन चेक करो और बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है, चेक करो ऑप्शन चेक करो एक सेकेंड, है ना ऑप्शन चेक कर लो, देखो ना जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, जीरो कॉमा टू पाई बाई थ्री करेगा क्या, एक्स को जीरो रख दें वाई को टू पाई बाई थ्री रख दें, एक्स को जीरो रख दें वाई को टू पाई बाई थ्री रख दें, टू पाई बाई थ्री इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, इसमें भी बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन ने फिर से सेटिस्फाई किया, बी ऑप्शन फिर से करेक्ट। और एक एनालिसिस कहती है, बताएं एक एनालिसिस कहती है कि मैक्सिमम एग्जाम्स में बी ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है ना, सीरियस मत लेना मेरी बात को, ठीक है ना, ज़्यादातर एग्जाम्स में बी ऑप्शन करेक्ट होता है ऐसा रिसर्च कहती है, 33% करेक्ट होता है, लेकिन तुक्का मत मारना भाई, सब में ऐसा नहीं है ना, ये बात में रिसर्च कहता है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है 33% चांस होते हैं कि हर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पेपर में बी ऑप्शन करेक्ट बनाया जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है डिपेंड करता है कौन पेपर बना रहा है। अच्छा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है ऑन ऑन। अच्छा आगे चलें तो क्वेश्चन समझ में आसान है, कोई दिक्कत वाली बात क्या नहीं ना, है ना, आगे चलें तो इसी जैसे क्वेश्चन आएंगे टेंजेंट नॉर्मल पर जो आए गए हैं अभी, तो है ना आ चुके हैं, 19 में भी आए, तो 19 के हालांकि मेरे पास अभी है नहीं, आईपैड में है, देखूंगा मैं, तो फिलहाल अगला क्वेश्चन दे दूं फिर, और है ना ये तो हमने किया है, ठीक है क्वेश्चन आया 2015 में, लिखा है द नॉर्मल, ठीक है द नॉर्मल टू कर्व देखते हैं होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एट वन कॉमा वन, फिर डायरेक्ट ऑप्शन लगा दिए उन्होंने ए, ऑप्शन है डज नॉट मीट कर्व अगेन, बी ऑप्शन मीट कर्व अगेन इन थर्ड क्वाड्रेंट
इन थर्ड क्वाड्रेंट सी ऑप्शन इज मीट द कर्व अगेन इन सेकंड क्वाड्रेंट ठीक है ना. एंड द डी ऑप्शन इज मीट द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट. ये चार ऑप्शन हैं 2015. ये कुछ थोड़ा अलग लग रहा है, देखो ट्राई करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर. पहले देखो क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या. तीन माइनस एक. हाँ, ये बेसिकली सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखा है, स्ट्रेट लाइन प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर. इसको कैसे डील करते हैं मैं बताता हूँ. इक्वल टू जीरो, हम कैसे डील करते हैं ऐसी इक्वेशन को. ये होमोजेनियस स्ट्रेट लाइन बोला जाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे आप तो आपको पता है कि y बाई एक्स लगभग हम इसमें m मान लेते हैं, है ना. लेट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए y बाई एक्स को हम m मान लेते हैं. तो इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, है ना. ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, बाद में सिखाऊंगा मैं आपको. तो एक्स स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दिया तो हो गया 1 प्लस 2 टाइम्स वाई बाई एक्स, है ना भाई, 3 वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर. देखो यही बनेगा क्या. फिर वाई बाई एक्स को हम मान लेते हैं लेट m, m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स. वैसे भी तुम देखो ना वाई बाई एक्स क्या है, स्लोप है, स्लोप का रेशियो m, तो वही मान लेते हैं. तो नाउ ये इक्वेशन बन जाता है 1 प्लस 2 एम माइनस 3 एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस सही एडजस्ट करो तो ये हो गया 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू जीरो. फैक्टर देखो होते हैं क्या, 3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस m माइनस 1 इक्वल टू जीरो. 3m कॉमन है क्या दोनों में, 3m कॉमन आ गया, कितना आएगा, m माइनस 1 प्लस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो. हाँ भाई, m माइनस 1 इज एक ब्रैकेट में, 3m प्लस 1 एक ब्रैकेट में, इक्वल टू जीरो. m की दो वैल्यू चम की, एक 1 और एक माइनस 1 बाई 3. हाँ भाई, तो m कौन है, y बाई एक्स. ओके, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पर y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस 1 बाई 3. अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं क्या, द नॉर्मल टू द कर्व दिस. अच्छा, ये y बाई एक्स लगभग स्लोप ही है एक तरीके से तुम देखो तो ये टेंजेंट का स्लोप है ना, mt मान लो. तो mn दोनों के क्या क्या आएंगे मैं देख रहा हूँ बस चेक करके. ये आएगा माइनस वन, क्या ये आएगा माइनस वन, ये क्या आएगा, ये आएगा 3, है ना, पलट देंगे dx by dy तो 3. तो माइनस वन जो है स्लोप किस क्वाड्रेंट में गिरता है, माइनस वन का मतलब टेन थीटा नेगेटिव भाई, टेन थीटा होता है ना ये, और ये भी क्या होता है, टेन थीटा. अरे स्लोप मतलब टेन ही लेंगे ना भाई, टेन. तो एक आ रहा है ये नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, अच्छा है ना. इसका क्या है, ये एम एन इज इक्वल टू नेगेटिव वाला है, ये नॉर्मल जा रही है, ऐसे जा रही होगी. अच्छा ये थ्री कहाँ है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3 पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इसका एंगल जो होगा 0 टू 90 के बीच में होगा. तो ये ऐसे जा रही होगी, यानी कि दो ऑप्शन देखो कोई है क्या, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड में भी नेगेटिव होता है और थर्ड में भी होता है, थर्ड में भी तो नेगेटिव होता है ना. देखो लेकिन आपको पढ़ाया गया होगा कि जो स्लोप वाला हम टैन थीटा लेते हैं भाई, देखो बहुत आराम से चलने वाली चीज़ है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा. इसके लिए एक स्पेसिफिक चीज़ बोली जाती है कि थीटा लाइज 0 टू पाई, 0 से पाई में लिया जाता है. तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा आंसर रहेगा. देखते हैं क्या टिक किया है, इसमें फोर्थ आ रहा है क्या, एक सेकंड में मुझे बस आंसर चेक करने दो. टॉपिक वन थर्ड, टॉपिक वन का थर्ड का डी ऑप्शन आया है, एक सेकेंड. अरे 81.1 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, क्या किया है. अरे यार हमने दो स्ट्रेट लाइन निकाल दी अलग अलग, ये तो गलत तरीका ले गया. रुको एक सेकंड प्लीज, मैं थोड़ा गलत अप्रोच ले गया, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमें तो स्लोप चाहिए था. ये क्या चमत्कार हो गया, कहाँ से कहाँ लिंक हो गया क्वेश्चन.
ठीक है, पॉइंट दिया है ना 1.1, उसका तो यूज ही नहीं हो। ये मिटाओ, ये मिटाओ, ये तरीका यहाँ तक तो ठीक है, एक अल्टरनेट तरीका था मुझे लग रहा है, एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये मिटाओ पहले, अच्छा एक सेकेंड, एम इज़ 1 और माइनस 1/3, दोनों लेने पड़ेंगे क्या? एट 1.1, 1.1 पर नॉर्मल है, 1.1 पर नॉर्मल है, तो 1.1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला स्लोप लिया जाएगा, तो एम इज इक्वल टू 1 का फिर माइनस 1 लिया गया होगा। हाँ, इट इंटरसेक्ट एक्स लिया, क्या कहानी लगाई इन्होंने। देखो फिर, देखो देखो यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं, ये अलग अलग निकाला, कोई दिक्कत नहीं। तो ये m इजिकल टू 1 आया था, यहाँ तक ठीक है, अल्टरनेट तरीका ये भी है। तो m इजिकल टू क्या आया, -1/3। द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट 1.1 मीट कर्व अगेन इन थर्ड क्वार, मीट द कर्व, ये बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। देखो कहानी क्या है, इधर आओ, अब ड्रॉ करेंगे हम, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया y/x, है ना, y/x लिया था ना 1, यानी कि y इज इक्वल टू x। अच्छा ये क्या हो गया, ये भी हो गया y/x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस, मतलब 3y इज इक्वल टू -x ना, यानी कि x प्लस 3y ना इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये दो लाइंस हैं, एक y इज इक्वल टू x लाइन है, ये बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और एक लाइन क्या है -1/3, यानी कि y इज इक्वल टू -1/3x, एक लाइन ऐसे कहीं जा रही है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है दोनों का, ये जो पूरा कर्व था वो। तो अब एक काम करो, देखो 1.1 पर आपको चाहिए नॉर्मल, 1.1 यहाँ कहीं मिलेगा, है ना, यानी कि 1.1 वहाँ पर होगा, तो वो इस लाइन पर पाया जा रहा है, इस लाइन पर पाया जा रहा है ना, ना कि इस पर है, इस पर तो नहीं है ना, तो इसी का स्लोप लेंगे हम, ये चीज़ की है इन्होंने। तो dy/dx इज इक्वल टू 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, m ऑफ n, दैट इज -1। तो अब नॉर्मल का इक्वेशन निकाल दूंगा मैं, नॉर्मल का इक्वेशन अगर निकालें तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1.1 पॉइंट है और स्लोप ये है आपका, तो y-1 इज इक्वल टू -1x-1, है ना भाई, तो y-1 इज इक्वल टू -x+1, तो कितना हो गया y+x इज इक्वल टू 2, y+x इज इक्वल टू 2, तो y+x इज इक्वल टू 2, ये क्या है, नॉर्मल है, और इसकी नॉर्मल कर्व को वापस मिल रही है। अब y+x इज इक्वल टू 2 अगर ड्रॉ करो आप, तो y+x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, दो दो का क्वाड्रेंट लेती हुई लाइन जाएगी, है ना, तो दो दो का लेती हुई जाएगी, तो दैट मीन्स कुछ क्वाड्रेंट कुछ ऐसी जाएगी, -1/3 थोड़ा झुका होगा, ठीक है, ऐसे लाइन पास होगी ये, और ये वापस इस कर्व को कट करेगी, ये जो आपका है, इस लाइन को देखो ना, ये वापस कहीं भिड़ेगी जाके, ये लाइन कौन सी है, एक मिनट में पूरा डायग्राम फिर से क्लीन करता हूँ। देखो समझने के लिए, सिर्फ डायग्रामेटिकली समझने के लिए क्या है, यहाँ पर ये नॉर्मल का इक्वेशन, इतना बस समझ में आया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, ये था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब दो लाइंस से मिलकर बना होता है, तो दो लाइंस कौन कौन, y इजिकल टू x और एक ये लाइन, y इजिकल टू x ऐसी लाइन होती है, ये बात आपको पता है, और दूसरी लाइन आई है x+3y, है ना, यानी कि y इजिकल टू -x/3, तो y इजिकल टू -x/3 निगेटिव स्लोप है, तो इस तरह से जाएगी, यानी कि और ओरिजिन से ही जाएगी, यानी कि ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है, y इजिकल टू -x/3, और ये लाइन है y इजिकल टू x, और ये दोनों ही मिलकर कर्व दे रहे हैं, क्योंकि दोनों उसी से ओरिजिन हुए। अब इस हमने नॉर्मल निकाला, हमने नॉर्मल का इक्वेशन निकाला, ये है ना, कैसे सर इसको, यही नॉर्मल के लिए यही वाला स्लोप क्यों लिया आपने, ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि भाई 1.1 पॉइंट यही है ना, तो इसी पर तो नॉर्मल लेंगे ना, इसका नॉर्मल, तो इस पर से नॉर्मल कर लेंगे, ये भाई थोड़ी टेढ़ी होगी लाइन, मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, एकदम से सीधी बना दी, थोड़ी टेढ़ी होगी, क्योंकि इसका स्लोप एकदम से स्ट्रेट नहीं है, अलग अलग ढंग से जाएगी या ऐसे जाएगी, ठीक है। तो जो स्लोप आया ये देखो, ये इक्वेशन है y/2 + x/2, यानी कि दो दो का इंटरसेक्ट करती हुई लाइन जाएगी, तो ये लाइन जाएगी इस तरह, अगर देखो ध्यान से, तो
क्वाड्रेंट को कट करते हुए दो इधर और दो इधर, तो ये वापस कर्व को भिड़ रही है, इसको यहाँ पर भिड़ रही है, तो वो बात उसकी सेटिस्फाई भी कर रही है कि ये भिड़ रही है। तो किस क्वाड्रेंट में भिड़ी ये, दिस क्वाड्रेंट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये अब सही है, डायग्राम से भी पता चला फोर्थ क्वाड्रेंट है। वरना एक काम करो आप, इसको और इसको दोनों को सॉल्व करना, जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट के ही आएंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, ये 2015 में आया, थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला। आजकल एम्बुलेंस बहुत दौड़ रही है भाई। आगे बढ़ा जी, देखते हैं और क्वेश्चन है क्या, है ना, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल की कहानी पर काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, तो लगभग तो क्वेश्चन हो गए, बाकी 19 और 20 के देखेंगे। आगे स्टार्ट करता हूँ मैं, आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो राइट डाउन, ठीक है, हेडिंग दे दो आज, कॉनकेव डाउन और कॉनकेव अप की बातें, हेडिंग दे दो, कॉनकेव डाउन, आज हम पढ़ेंगे कॉनकेव डाउन और कॉनकेव अप। हम कॉनकेव पढ़ते हैं, आप लोग ये ऑप्टिक्स में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी, कॉनकेव अप डाउन, अप डाउन है ना, एक कॉन्वेक्स भी होता है, कॉनकेव डाउन का उल्टा कॉन्वेक्स अप, ऐसा कुछ तो होता है। हम कॉनकेव से ही हमारी कहानी चलाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं कॉनकेव को समझते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लो इसमें खटाखट, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, किसी भी कर्व का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जिम्मेदार होता है कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन के लिए। ऑफ एनी कर्व, लिखो, ऑफ एनी कर्व सोर्स वेदर, वेदर कर्व इज, लिखने का काम करो फटाफट, रिकर्व इज कॉनकेव अप, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और कॉनकेव डाउन। तो पहली लाइन से क्या समझ में आए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही आपको बताएगा कि कौन सा कर्व आपका कॉनकेव अप है, कौन सा डाउन है। तो लिखो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसी दिन अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, ये आपको बताता है कि कॉनकेव अप है। कॉनकेव अप की फोटो कैसी बनती है, कॉनकेव अप का मतलब है टोकरी ऊपर की तरफ, ऐसा मतलब क्या है, टेंजेंट अगर इस पर ड्रॉ की जाए कर्व, यानी कि ऊपर की तरफ ऐसा जा रहा होगा, यानी कि इस कर्व पर अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएँ तो वो इसके नीचे से गुजरेंगी, ये टेंजेंट्स हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जितनी भी रहेंगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो इसका मतलब है टेंजेंट्स बिलो द कर्व, टेंजेंट्स एक तरीके से इससे भी क्वेश्चन आए गए, है ना, टेंजेंट्स बिलो द कर्व, यानी कि कॉनकेव अब बिलो द कर्व, ये किसका पहचान है, ये किसके लिए होता है, ये होता है कॉनकेव अप के लिए, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव अप। तो कॉनकेव अप के लिए ये पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना, कॉनकेव अप के लिए। तीसरा आएगा कॉनकेव डाउन, है ना, तीनों बातें याद रखना, क्या क्या बातें मैंने बोली, टेंजेंट्स बिलो द कर्व, ध्यान रखना, टेंजेंट्स बिलो द कर्व डी टू, और कंडीशन क्या है कॉनकेव अप के लिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, और फोटो कुछ ऐसा होगा, ये कर्व है, टेंजेंट्स बिलो द कर्व जाएंगी ऐसे, ठीक है ना। अच्छा तीसरी बात, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन देखो क्या होता है, कॉनकेव डाउन की शर्त है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो मतलब फोटो, फोटो देखो अभी कैसा बनेगा, अभी फोटो बनेगा ऐसा, कॉनकेव डाउन है ना, नाम से ही लग रहा है। तो ये टेंजेंट्स हैं अगर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, तो इट मीन्स आप देख पा रहे हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स जो होंगी, टेंजेंट्स अबव द कर्व, अबव द कर्व, टेंजेंट्स जितनी भी होंगी कर्व के ऊपर से जाएंगी, कर्व अबव द कर्व, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव डाउन। तो फटाफट नोट कर लो ये तीन बातें, और दो बातें तो इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव अप डाउन पहचानना, फोटो भी साथ साथ बनाया है कि फोटो उसका ऐसा बनता है, ठीक है। कई बार ऑप्शन में उल्टा करके पूछते हैं कि टेंजेंट्स आर अबव द कर्व, तो बताओ क्या है,
टेंजेंट्स आर अबव द कर्व, मतलब टेंजेंट बना लेना फोटो, टेंजेंट्स अगर अबव है कर्व के इट्स मीन्स कॉन्केव डाउन, ठीक है ना। वो चीज़ें लिखी हैं शॉर्ट में, तो लाइन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने लिखा है टेंजेंट्स, ठीक है। कॉन्केव डाउन की कंडीशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, कॉन्केव अप की कंडीशन, ठीक है। ऑल टेंजेंट्स, जितनी भी टेंजेंट्स रहेंगी, ऑल टेंजेंट्स, सारी टेंजेंट हमेशा। आगे चला जाए, अभी देखो जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, मिटा दो ये, तो कॉनकेव अप डाउन पहचान लोगे, किसी भी कर्व में पहचानने को आए, है ना। अप डाउन ऐसे ऑप्शंस में भी हो सकते हैं, तो पहचानने का तरीका यह है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा, राइट। क्वेश्चन इज कि लाइन ऑफ टेंजेंट टू कर्व वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टेन एक्स एक्स लाइज जीरो टू पाई बाई टू, है ना, इज। और यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए लाई बिलो कर, लाई अबव कर, नथिंग कैन बी सेड, ऐसे ही कुछ है। लाई बिलो कर, लाइज अबव कर, है ना, स्ट्रेट है ना, कॉन्स्टेंट, नथिंग कैन बी सेड, ऐसे कुछ ऑप्शन है, जाने दो हमें ऑप्शन में मतलब नहीं रहता। अच्छा देखो, जो मेन चीज़ है, मतलब आपको लाइन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट अगर कर्व के ऊपर हो नीचे हो, इसका मतलब क्या है समझ में आया। टेंजेंट अगर कर्व के ऊपर है, यानी कि फोटो ऐसी होगी, कर्व के ऊपर है टेंजेंट्स तो फोटो ऐसी आई, तो ये कॉनकेव क्या होता था, कॉनकेव हाँ ना, डाउन होता था क्या, हाँ अप होता था, बिलो है तो अप और अबव है तो डाउन, है ना, अबव है तो डाउन, कॉनकेव डाउन। अच्छा फिलहाल हमें हमारे क्वेश्चन के लिए चेक करना है, जो कि लाइन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जबकि कर्व ऐसा है तब बताओ क्या होगा। तो फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक चलेंगे हम, तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास है साइन एक्स माइनस टेन एक्स, हाँ भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे पहले, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस टेन एक्स का, फिर क्या करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक बार और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, डी वाई डी एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का बोलो टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो स्क्वायर कर दूँ टेन एक्स, कर लेना अपने आप, ठीक है ना, करके देखा करो, अगर आपको समझ में ना आया तो खुद से करके देखा करो। माइनस कॉमन लिया, ठीक है ना, अच्छा माइनस कॉमन लिया तो ये क्या आया, साइन एक्स प्लस टू टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स टेन एक्स, है ना भाई। अच्छा लाइन ऑफ टेंजेंट एक्स लाइज जीरो टू पाई बाई टू, इसका क्या महत्व है, इसका मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो हर चीज़ पर ध्यान देना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगर फंक्शंस आर पॉजिटिव, पता है तुमको, ऑल ट्रिगर फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सब पॉजिटिव हैं, ये आदमी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव, और सब पॉजिटिव लोगों को मिलकर आगे निगेटिव मिल गया तो टोटल क्या हो गया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा हो गया, निगेटिव आया ना, पॉजिटिव लोग अंदर बनेंगे, वैल्यू कुछ रखोगे ना एक्स की जगह, तो इसका मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता था, कॉनकेव अप डाउन, डाउन, तो कॉनकेव डाउन, और कॉनकेव डाउन का क्या मतलब होता है, कॉनकेव डाउन का मतलब क्या है, फोटो कैसी, ऐसे ही फोटो, और टेंजेंट ऊपर से निकल रही है सब ऐसे, तो टेंजेंट लाइज बिलो कर्व या अबव कर्व, अबव कर्व बी ऑप्शन करेक्ट, समझ में आई बात है ना भाई, ओके। तो अप डाउन की बातें कॉनकेव टी की हो जाएंगी, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और मुश्किल भी लगता है बहुत बच्चों को लास्ट में, थ्रू आउट जब पढ़ लेते हैं पूरा कैलकुलस, तो यही एक चैप्टर उनको बड़ा भारी लगता है, ठीक है ना, बाकी तो उनसे हो जाता है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा
चलो और थोड़ा एक हेडिंग दे दो, दे दो हेडिंग दे दो। हेडिंग है कि क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट, है ना, ऐसा जेई में पूछे जा सकते हैं अगर एडवांस में, फॉर डिफाइंड फंक्शंस, फॉर डिफाइंड फंक्शंस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर नॉर्मल की बात करेंगे वो डिफाइंड फंक्शन के लिए, जिसमें मैं सीधा क्वेश्चन से ही अपनी बात चलाता हूँ। तो राइट डाउन क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है फाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजन, कहाँ पर निकालना है, जीरो जीरो, एट ओरिजन जीरो जीरो टू कर्व, और कर्व कैसा दिया है वो ध्यान से देखना, आज कर्व अच्छा नहीं दिया, ऐसा दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, जबकि x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये, और जीरो जब x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए इनको। बताओ भाई कैसे करें, क्वेश्चन आओ चर्चा करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी चलाना पड़ेगा। देखो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट तो है ना, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है, लेकिन स्लोप कैसे लाएं, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए याद रखो सबसे बढ़िया फॉर्मूला आपका स्लोप का याद आएगा, डी बाई डी एक्स, एक एफ डैश एक्स याद आया। ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक फार्मूला बनाया था मैंने, एक्सटेंडिंग टू कहाँ पर चाहिए फॉर्मूला, कहाँ पर आपको स्लोप चाहिए, जीरो जीरो पर, किस पर चाहिए, जीरो जीरो पर चाहिए ना भाई, यानी कि एक्सटेंडिंग टू जीरो पर चाहिए, ठीक है ना। और याद करो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, जो मैंने कहा था यहाँ होता था, और x माइनस जीरो, इसे बोलते हैं क्रांतिकारी फॉर्मूला। ये तब भी बहुत काम का था और आज भी, तो इसको ध्यान रखना, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो से हम डी बाई एक्स ले आएंगे तो एफ डैश जीरो मिलेगा, मतलब स्लोप मिलेगा, स्लोप m ऑफ टेंजेंट तो मिलेगा, तो लगा लो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कौन है नॉट इक्वल टू जीरो पर, बहुत क्लोज निकालेंगे, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, जीरो पर एग्जैक्ट जीरो है, नीचे एक्स है, एक्स एक्स कट गए, तो आप ही बता दो क्या आएगा, एम ऑफ टी, एम ऑफ टी आएगा, क्या बच रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स साइन वन बाई एक्स, हाँ रख दिया अगर, तो एक्स जीरो हो गया इंटू साइन वन इन्फिनिटी, हाँ भाई साइन इन्फिनिटी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी ना, तो क्या आएगा, टोटल स्लोप जीरो आएगा, स्लोप जीरो है तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी देखना ये किसका किसका स्लोप आया है, टेंजेंट का है नॉर्मल का, पूछा क्या आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके तो गुड, मुझे लगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है, इतनी देर से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, तो वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस जीरो, हाँ तो भाई इक्वेशन क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट करते हैं इसके क्वेश्चंस, समझ में आई बात, इस फॉर्मूले से स्लोप निकालोगे आप, ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया है तो, ऐसा फंक्शन आया तो, ठीक है, क्योंकि यहां से भी तो डी बाई डी एक्स निकालते थे हम, एफ डैश एक्स याद आया, अगला क्वेश्चन पे चलो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ए फंक्शन इज डिफाइंड पैरामेट्रिकली, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आज तक ऐसा क्वेश्चन तो देखा नहीं मैंने, एडवांस में आ सकता है, डिफाइंड पैरामेट्रिकली, तो इसमें x लिखा उन्होंने, x इज इक्वल टू टू टी प्लस टी स्क्वायर साइन वन बाई टी, जबकि t नॉट इक्वल टू जीरो, एंड हेयर इज जीरो t इक्वल टू जीरो, एंड y इज इक्वल टू वन बाई टी साइन टी स्क्वायर साइन टी स्क्वायर टी नॉट इक्वल टू जीरो एंड हेयर इज जीरो वेन टी इज इक्वल टू जीरो। देन बोल रहे हैं कि देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी इक्वल टू जीरो इज, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी इक्वल टू जीरो, फिर से वही कहानी, स्लोप लाना है, स्लोप लाना, फिर से देखो जब भी ऐसा डिफाइंड फंक्शन आए, डिफाइंड फंक्शन पे चालू है हमारी बात, है ना, डिफाइंड फंक्शन आए तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, क्रांतिकारी फॉर्मूला, ठीक है, तो उससे पहले डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन आज पैरामेट्रिकली भी आ गया, तो आपको पद याद होगा कि डी वाई बाई डी एक्स होता था पैरामेट्रिकली के लिए डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, बोलो कितने लोगों को याद है, होता था, तो इसका मतलब कहाँ पर चाहिए, टी इक्वल टू जीरो पर चाहिए, तो इसका मतलब इससे मैं क्या निकालूंगा, डी एक्स बाई डी टी निकालूंगा, मतलब इसका स्लोप, बेसिकली ये फंक्शन ऑफ टी है,
तो ये क्या हो जाएगा, आप भूल गए हो लिमिट, यहाँ पर लगाऊंगा मैं टी टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ ऑफ टी याद आया, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन टी माइनस ज़ीरो, ऐसा हो जाएगा। बोलो देखो यही होगा क्या, एफ ऑफ टी यानी कि एफ डैश ज़ीरो, इसे क्या बोलेंगे हम, एफ डैश ज़ीरो, यही तो है एफ डैश ज़ीरो, है ना, ज़ीरो पर ही चाहिए ना, ज़ीरो पर। तो फाइनली क्या आएगा, लिमिट टी टेंडिंग टू ज़ीरो निकाल लो, एफ टी कितना दिया है, टू टी प्लस टी स्क्वायर साइन वन बाई टी माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई टी माइनस ज़ीरो, दैट इज़ टी। तो टी कॉमन लेके कैंसिल करूँ क्या, तो क्या बच गया, टी को ज़ीरो रखा तो टू प्लस ये ज़ीरो कर देगा तो इधर आया टू, ठीक है ना, इसको होल्ड करके रखो। अच्छा इधर इसको देख लो, इसका हिसाब किताब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, डी वाई डी टी मतलब जो भी हो ये डी वाई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या आएगा, ये भी आएगा लिमिट टी टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन टी माइनस ज़ीरो, है ना भाई। एफ ऑफ टी कितना, वन बाई टी साइन टी स्क्वेयर अपॉन टी लिमिट टी टेंडिंग टू ज़ीरो। हाँ भाई ये तो बहुत आसान है, साइन टी स्क्वेयर अपॉन नीचे भी टी स्क्वेयर और लिमिट टी टेंडिंग टू ज़ीरो, हाँ कितना आया, वन आया क्या। तो अब देखेंगे फाइनली डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स अब मिला मुझे डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ द रेशियो ऑफ बोथ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। देखो समझ में आ रहे हैं क्या आप लोगों, आसान है कुछ मुश्किल नहीं। तो क्या है डी वाई बाई डी टी, बोलो वन, नीचे कितना टू, वन बाई टू, तो बस इतना काम एक्स्ट्रा था, वन बाई टू। अच्छा पॉइंट की सर, पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट पॉइंट टी इक्वल टू ज़ीरो है, टी इक्वल टू ज़ीरो पर एट टी इक्वल टू ज़ीरो मतलब दोनों को देखो ना, टी इक्वल टू ज़ीरो पर एक्स कितना ज़ीरो और वाई कितना ज़ीरो, तो पॉइंट क्या है, तो पॉइंट भी ज़ीरो कॉमा ज़ीरो ही है। तो क्या चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए क्या, निकाल लो। तो वाई माइनस ज़ीरो वाई वन स्लोप वन बाई टू एक्स माइनस ज़ीरो, तो आया क्या वाई इक्वल टू वन बाई टू एक्स, टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है चेक कर लो ऑप्शन, हाँ वाई इक्वल टू एक्स बाई टू आ रहा है, ठीक है मिटा दो, क्लियर है, ओके आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लैबनिट्स थ्योरम, आप सबने लैबनिट्स भी पढ़ी है तो ऐसे क्वेश्चन भी चमकेंगे आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन मार्क टू, वाई इज इक्वल टू लिमिट है एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, बढ़िया क्वेश्चन, और आपको लैबनिट्स मैंने लिमिट्स में कहीं तो पढ़ाई थी, रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक है ना। जिन बच्चों ने लैबनिट्स नहीं पढ़ी उनको दोबारा बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात कोई नहीं है, ठीक है ना। लिखो पहले क्वेश्चन, लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, कर्व इस प्रकार दिया है, ये किसका फॉर्मेट है, लैबनिट्स का फॉर्मेट है। जिन बच्चों को लैबनिट्स नहीं पढ़ाया गया घबराने की कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ साइड में, आओ देखो एक फॉर्म हुआ करता था, जिन बच्चों ने लैबनिट्स नहीं पढ़ाया है या जो बाद में ज्वाइन हुए हैं तो देख लें, एक होती थी लैबनिट्स थ्योरम, हेडिंग दे दो नहीं है तो आज लिख लो लैबनिट्स थ्योरम, डायरेक्ट चलूँगा। लैबनिट्स थ्योरम क्या होती है कि देखो कि भाई कि कल को कोई ऐसा इंटीग्रेशन मिले आपको, इंटीग्रेशन मिले जिसमें कि फंक्शन जो मिले यहाँ पर है ना, एक्स में मिले फाई एक्स और साई एक्स ले लो, और यहाँ पर फंक्शन कोई टी का हो यानी कि अदर वेरिएबल हो डी टी, जैसा कि इधर दिखा है। इधर देखो लिमिट जो है वो एक्स का फंक्शन है और अंदर जो फंक्शन है वो टी का फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन अगर मिले किसी दिन तो इसको अगर बाहर डी बाई डी एक्स मिल जाए, मतलब जो वेरिएबल यहाँ पर है देखना ध्यान से, ये वेरिएबल और इसका वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है ना, लिमिट का जो वेरिएबल है उसका लिमिट के वेरिएबल पर अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए इसको, तो ये ओपन हो जाता है। इसका ओपन होने का तरीका क्या है कि पहले जो लिमिट होती है अपर लिमिट वो एक्स टी की जगह जाती है, यानी कि एफ ऑफ साई एक्स हो जाएगा इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डेरिवेटिव क्या होगा, साई डैश एक्स, माइनस साइन आएगा बीच में, माइनस साइन आएगा बीच में, फिर लोअर लिमिट टी में जाएगी तो ये लिखा जाएगा एफ ऑफ साई एक्स टी की जगह और ब्रैकेट क्लोज इनटू फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, ये इसका तरीका है, ठीक है। जैसे कि अभी क्वेश्चन में एप्लीकेशन में करके दिखाता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, बहुत बच्चों को डाउट हो रहा हूँ, तो एग्जांपल के तौर पर मान लो कि कोई दे के चला गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
और इधर एक्स क्यूब, जैसा कि ये दिया है और इधर दे दिया मान लो कुछ दे दिया टी की पावर 4, छोटा सा एग्जांपल और डी टी, और कुछ ने मांगा कि ये बताओ क्या होगा। तो किसी तो इसका जिस दिन आप डी वाई बाई डी एक्स करोगे, अगर डी वाई बाई डी एक्स आपने किया तो इसको डी बाई डी एक्स आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डी बाई डी एक्स। ये फोटो है लेबनिट्स का, हमेशा याद रखना, यहाँ पर वेरिएबल एक्स में रहेगा और यहाँ पर टी का फंक्शन रहेगा। तो इसको जैसे डी बाई डी टी मिला, और ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है और टी की पावर 4 डी टी, तो ये ओपन होगा, ये ओपन होगा। अब कैसे ओपन होगा ध्यान से देखना, इधर इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं, ओपन कर रहा हूँ। तो पहले अपर लिमिट एक्स क्यूब टी की जगह जाएगी, यानी कि लिखा जाएगा एक्स क्यूब की डिग्री 4, यानी कि टी के प्लेस पर लिखा जाएगा, इनटू फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव है ना, एक्स स्क्वायर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट टी की जगह जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की डिग्री 4 इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो 2x। ये इस तरह से इसका डेरिवेटिव ओपन हो गया। सेम कहानी इधर है, आ जाओ। ये क्वेश्चन पूछा गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिस एट टी एक्स इज इक्वल टू 1। तो पहली चीज़ मैं पॉइंट पर ध्यान दूंगा कि मेरे पास पॉइंट क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 बोला है लेकिन वाई किधर है, तो वाई के लिए क्या करना है सर, वाई के लिए रख दो ना इसमें, एक्स को 1 रख दो इसमें, कोई भी कर्व हो, एक पॉइंट दिया है, एक एक आदमी दिया है तो दूसरा निकालना है तो उसमें रख दो। तो उसमें अगर रख दिया तो इंटीग्रेशन बनेगा 1 से 1, कोई भी इंटीग्रेशन सेम लिमिट से सेम लिमिट तक हमेशा 0 आता है, तो यानी कि वाई इज इक्वल टू जो पॉइंट इज 1, 0, ठीक है, एक चीज़। दूसरा, अब मेरा दिमाग कह रहा है कि स्लोप स्लोप होना चाहिए मेरे पास टेंजेंट का, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और मतलब डी वाई बाई डी एक्स का क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब डी टी अपॉन रूट ऑफ 1+t² अभी अभी ऐसी ही बातें की हमने, तो ये ओपन हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ टी एम क्या आएगा, एम विल बी ओपन कर दो, तो पहले एक्स टी की जगह एक्स क्यूब जाएगा, तो लिखा जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1+ टी की जगह एक्स क्यूब गया, तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा क्या, क्यूब का और स्क्वायर, या लिख देता हूँ बहुत बच्चों को दिक्कत हो ना हो, एक्स क्यूब का स्क्वायर हो गया इनटू 3x² अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस साइन, लोअर लिमिट जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1+ x² का स्क्वायर इनटू 2x। बोलो बात सही है ना, लेकिन ये किस पॉइंट पर चाहिए डी वाई डी एक्स, बोलो ना, है ना, पॉइंट पर चाहिए होता है ना बेसिकली। तो पॉइंट क्या है आपके पास, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट 1, 0, तो डी वाई डी एक्स चाहिए हमें 1, 0 पर, दैट मीन्स एक्स की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, एक्स की जगह 1 रख दो तो आ जाएगा आंसर, हो जाएगा तो 3 हो जाएगा एक्स की जगह 1 1+1√2 3/√2 माइनस, है ना, 1 रख रहे हैं 2/√2, देखो ना, देख लेना ध्यान से भाई, 3 माइनस 3/√2 माइनस 2/√2 कितना आएगा, 1/√2 क्या, तो स्लोप मिल गया। देखो कई बार ऐसे डरावना सा लगता है लेकिन पॉइंट रख दो, पॉइंट रखने के बाद आसान हो जाता है, तो हमेशा पेशेंस बनाए रखो और ऐसे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ नहीं होता, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स जो आया एट 1, 0 दैट इज 3/√2 माइनस 2/√2, है ना भाई, रख दिया मैंने जो डिफरेंस जो आया वहाँ से, तो दैट इज 1/√2। हाँ, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, तो पॉइंट है, स्लोप है, तो कितने लोग मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे सकते हैं तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर तक मेरा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो y माइनस वाई वन दैट इज 0 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस 1, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 1/√2 x-1, ये किसका, स्लोप का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक बात तय हो गई अपनी, यहाँ तक जर्नी हो गई, ठीक है, निकल गया, ठीक है। तो यहाँ तक रोकते हैं आज की बात, ठीक है, और आप लोग कुछ क्वेश्चन वेश्चन बनाना, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस, बाकी करेंगे हम आगे के दिन, अगली चीज़ें अब स्टार्ट करनी है मुझे थोड़ी थोड़ी, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक्स बहुत ही काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू। लेकिन यहाँ तक सही सही से करके रखो, है ना, ओके।